भागने की कोशिश अच्छी थी। बता, साहिल के बाइक से छेड़छाड़ क्यों की तुमने? सर सर बताता हूँ, सर सर बताता हूँ सर, और मत मारिए सर, आपका हाथ बहुत जोर से लगता है। ठीक है, ले छोड़ दिया, बता। सर वो जाइए ना, उसने कहा साहिल का बाइक का आगे वाला चक्का है ना, उसको ढीला कर देना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी इस हरकत से उसकी जान चली जाएगी? गलती हो गई मैडम, पैसे के लालच में मैंने उनकी बात मान ली। ये क्यों मारना चाहता साहिल को? पता नहीं साहब, वो कुछ रॉबरी का चक्कर है साहब। रॉबरी? कहाँ पे होने वाली है रॉबरी? पता नहीं साहब, वो कुछ 21 मार्च को करने वाले हो। तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो लोग रॉबरी 21 मार्च को ही करने वाले? सर वो जय की बात से मुझे लगा, और मैं ना उन लोगों को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगा साहब। अरे वो लोग तुम्हें भी मार सकते थे, तुम कैसे समझ गए? हाँ लेकिन वो पता नहीं पैसे देने के लिए राजी हो गए साहब। तो ये पैसे तुम्हें कब और कहाँ देने वाले? वो आज रात को। आज रात को? क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम? बताओ, बताओ जल्दी। सर सर मैं बेकसूर हूं सर, मुझे नहीं पता था इस बैग में पैसे। मुझे तो बोला गया था कि ये बैग लेकर बाहर खड़े रहना और इसे दे देना। सर 5 लाख में सौदा पक्का हुआ था सर। देखा सर, इसे सब कुछ पता है, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूं। किसके लिए काम करते हो? किसके लिए काम करते हो? सर जो कुछ भी है गोलेंडो है, वो ये बाइकर्स का लीडर सर, मुझे तो ये बैग इसे देने के लिए दिया था। गोलेंडो? जयंती पता लगा ये गोलेंडो और उसका गैंग इस वक्त कहां पर है? यस सर। अब बता ये APG JO क्या है, क्या है ये? सर लेकिन मैंने तो ये ग्रुप नया नया ज्वाइन किया है, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, इसे सब कुछ बताए सर, ये बताएगा। सर सर मैं उनका ग्रुप का आदमी हूं सर, और वो मुझे क्यों बताएंगे सर? वो सर चुप, तुम नए नए ग्रुप में ज्वाइन हुए हो और तुम ग्रुप में ही नहीं। बताओ कहां पे होने वाली है रॉबरी, ये लूट कहां पे होने वाली है? लूट? हे भगवान, सर मैंने तो पहली बार आपके मुंह से ये शब्द सुना है लूट, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, कुछ नहीं मालूम। अगर कुछ नहीं मालूम तो फिर उनका ग्रुप कैसे ज्वाइन किया था? मरता क्या नहीं करता सर, मेरी माँ बीमार, इलाज में बहुत पैसे खर्च हो चुके और मुझे पैसों की जरूरत थी, और गोलेंडे को बाइकर की बस। लेकिन अगर ये बात मेरी माँ को पता चलेगी सर तो वो जीते जी मर जाएगी सर, वो जीते जी मर जाएगी। शर्म नहीं आती माँ का नाम लेते? रेडी काम करो, इसे लेकर जाओ हॉस्पिटल में।
और देखो क्या वाकई इसकी माँ बीमार है क्या। अगर बीमार है तो छोड़ दो इसे, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो उल्टा लटका दूंगा। चल, चल। सर, सर इस मैप की पहेली हम कैसे सुलझाएंगे? ए बी जी जे ओ, ए बी जी जे ओ। सर, हमारे खबरी ने बताया है कि गुलेंडो और उसका गैंग अचानक गायब हो गए। गायब हो गया? भनक लगी है उसे, हम उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन कब तक छुप के रहेगा और कहां? हेलो, अच्छा ग्रेट, ओके। टेलर का फोन था, तो लड़की आने वाली है अपना जैकेट लेने के लिए। हम लोग यहाँ आसपास ही है, तुम यहीं पे खड़े रहना, अगर वो आ जाए तो हम इशारा कर देंगे। ओके सर। हाँ, दे रहे हैं। जल्दी लेके आइए। जी। क्या कर रहे हो? जैकेट लेकर आओ, टाइम नहीं है मेरे पास में। हाँ, ला रहे हैं। भागती कहाँ है? चल ब्यूरो हमारे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। क्या मतलब है? या, इसे बताओ हाथ छोड़ना किसे कहते हैं? सर, ये वही रूट है जो बाइकर्स आकर देखकर गए थे। पूर्वी, इस रूट पर एक बैंक है जो वो लोग लूट सकते हैं। सर, हो सकता है तीनों रूट्स पर लूट होने वाली हो। देखते हैं, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा इन तीनों रूट्स पर। पहले इस बैंक में जाकर पूछताछ करते हैं। सर, जरा इस वॉचमैन से पूछताछ करो, तब तक मैं बैंक मैनेजर से मिलकर आता हूँ। आपने एक हफ्ते पहले कुछ लोगों को यहाँ बैंक के आसपास मंडराते हुए देखा है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मैडम, कौन है आप? देखिए, हम लोग CID से, और हमें शक है कि बैंक में लूट होने वाली है। लूट? हाँ। पता नहीं मैडम, ऐसे तो कितने लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा हो सर, आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। और एक बात, हो सकता है कि आपके बैंक का स्टाफ मेंबर भी इन लूटरों के साथ मिला हुआ हो। चौकन्ना रहना, आपके बैंक की सिक्योरिटी बढ़ाने की तैयारी में है। ठीक है, थैंक यू सर। पूर्वी, सचिन और जयवंती रूट नंबर 2 पे गए हैं, हम लोग रूट नंबर 3 पर चलते हैं, जल्दी। सर, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। हाँ, थोड़ी देर और इंतजार करते। Excuse me, एक मिनट। ये बाइकर साहब से क्या पूछ रहे हैं? ये रास्ता पूछ रहे थे मेरे से। ठीक है, आप जाइए। ओके। इसका मतलब ये बाइकर स्टंट बाइकर नहीं थे।
सर ये तीसरे रूट पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसे अलर्ट करें। कुछ ना कुछ तो जरूर है इस रूट नंबर 3 पर पूर्वी, वरना वो लोग बार बार यहाँ पर आकर क्यों देख कर गए? सर कहीं हमें गुमराह करने के लिए तो नहीं? हो सकता है, फिर भी हमें रूट नंबर 3 के पूरे डिटेल्स निकालने पड़ेंगे सर। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, मैं इतना बेहरम नहीं हूँ कि अपनी बीवी से इतना काम कराऊं। मैं हूं ना, मैं सब काम कर लूंगा। सुना, खाना खा, टीवी देख और आराम से सो जा। हाँ, और देख दोपहर को बाहर मत निकलना, समझे? अरे मैं एक केस के सिलसिले में अटकाऊ ना, इसलिए मैं बाद में फोन करता हूँ। रुक जा, तेरा खेल खत्म। और हेलमेट निकाल अपना। अरे हाथ ऊपर करके हेलमेट कैसे निकालूंगा? अरे मैं तो भूल गया, पहले हेलमेट निकाल और बाद में हाथ ऊपर कर। चल ये हुई ना सीआईडी ऑफिसर जैसी बात, तुझे कैसे पता मैं सीआईडी वाला हूँ? अरे भाई चूंकि मैं खुद सीआईडी वाला हूँ। पंकज तूने सीआईडी छोड़ के बाइकर गैंग ज्वाइन कर ली? नहीं। तो फिर ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है? अरे क्योंकि मुझे वो चोर को पकड़ना है इसलिए। अरे सर मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि हम लोग सीआईडी वाले और तुम चोर। मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने चोरी की है? अच्छा काम किया। अरे पंकज तुम इसे शाबाशी दे रहे हो? तो और क्या सर, इतना अच्छा काम किया इसने। चोरी करना अच्छा काम है? चोरी करने वाला नहीं सर, ये जो उसने काम किया सर, एक्टिंग किया वो। क्या? अरे सर ये मेरा दोस्त है, इसे मैंने बोला था चोर की एक्टिंग करने के लिए। क्यों? अरे सर हमें वो बाइकर गैंग को पकड़ना ना सर, अगर हम लोग को बाइकर गैंग को पकड़ना सीखेंगे नहीं तो उन्हें पकड़ेंगे कैसे? पंकज तुमने धूम फिल्म देखी है क्या? हाँ, चोर चोरी चकारी करके पैदल नहीं भागेंगे, बाइक से भागेंगे, समझे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम कर, तू बाइक खरीद ले। क्यों? अरे मुझे पकड़ना सीखना ना चोरों को। अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे लोग दोस्ती में अपनी जान तक दे देते हैं, तू 60-70 हजार रुपए खर्चा नहीं कर सकता? सर आप इनके दोस्त हैं, आप ही दे दीजिए। हाँ सर। हाँ तो शीना, टोनी और विक्रम ने गोलेंडो के गैंग के किसी रॉबरी के प्लान के बारे में हमें बताया। ये गोलेंडो और उसका गैंग कहाँ है? सर ये तो नहीं पता कि वो गैंग कहाँ है, पर टोनी और विक्रम ने जो कहा वो सच है। तो जरा बताओ कि कहाँ होने वाली है ये रॉबरी? सर ये प्लान बहुत सीक्रेट है, ये लोग अपने किसी प्लान का किसी बात का किसी को भी पता नहीं चलने देते, पर मैं बता सकती हूँ आपको कि वो जगह कहाँ है। थोड़ा जल्दी बोलोगी? इस रूट नंबर 2 पे यहाँ जॉय का बैंक है, यही लूट का प्लान है। सचिन बैंक को इन्फॉर्म कर दो ये चोरी अब नहीं होगी। अब जो मर्जी कर लीजिए सर, ये चोरी तो होकर ही रहेगी। क्या क्या कहा तुमने? जो सुना आपने कि अब जो मर्जी कर लीजिए, चोरी तो होकर रहेगी। ले जाओ इसे। चलो ठीक है। सर एक बार ये गोलेंडो और उसके गैंग के बचे हुए साथी मिल जाए तो ये चोरी भी रोकी जा सकती है। नहीं सर जी, चोरी तो तभी रोकी जा सकती है जब हमें पता चलेगा कि चोरी होने वाली कहां पर है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, उसने पूरी बात हमें बताई ही नहीं, गुमराह करने की कोशिश कर रही थी वो हमें। सर तो फिर सच क्या है? सच ये है फ्रेडी कि चोरी कहीं और होने वाली है, कहीं और। इस लड़के ने तो रटाया हुआ था, वो तोते के जैसे बता दिया हमें बोलकर। तो फिर सर कैसे पता चलेगा कि चोरी कहां पे होने वाली है? अगर बैंक में चोरी होनी नहीं है तो रूट नंबर 1 और 2 पे तो सिर्फ बैंक्स हैं, और रूट नंबर 3 पे ऐसा कुछ भी नहीं।
ना ही बैंक है ना ज्वेलरी शॉप जहाँ चोरी हो सके। है सचिन है, कुछ ना कुछ तो जरूर है इस रूट नंबर 3 पर, इसलिए तो बार बार वहाँ जाकर देख रहे थे वो लोग। और वो जो कुछ भी है वो हमें पता चलेगा इस मिशन ABGJO से। मिशन ABGJO। चैंपियंस कैसे सब लोग? बढ़िया। अब सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल अच्छे से। लूट के बाद हम सभी लोग अलग अलग रास्ते जाएंगे, बिल्कुल अलग, सबका अलग रास्ता होगा, ओके? फिर उसके बाद मुझे फोन करना, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि हमें कहाँ मिलना है। राइट, क्लियर है सब? पर इस लूट से हमारा क्या फायदा होगा? फायदा? यार रो मैं हूं ना यार, साथ में काम करते हैं, साथ में सबको शेयर करेंगे, क्यों? अब तुम लोग जल्दी जल्दी करो, देखो बिल्कुल भी बिल्कुल लेट मत करना। ओके फाइन, चल। ओके बाय। चल यार अच्छे से करना, चल बाय। कम ऑन गाइस मूव। हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है ना? हाँ मोनिका, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक तो हो रहा है, पर जो सारे बाइकर्स हैं अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ संभाल लो। वो तो मैं सबको संभाल ही लूंगा। तुम्हें पता है ना कि सब काम हो जाने के बाद तुम्हें सामान लेकर कहाँ पर आना? हाँ मुझे सब पता है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, जब तुम वहां पर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दे दूंगा। इस रूट में तो अब तक कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं थी जहां चोरी हो सके। होनी चाहिए सचिन, कोई ना कोई तो जगह होनी चाहिए। देखो जरा कोई ऐसी जगह जहां पर एक बाइकर घुस सकता है और आसानी से बाहर भी निकल सकता है। तब तक हम ये कोड तोड़ने की कोशिश करते हैं। सचिन ये जो कोड है ABG:JO, चोरी की तारीख है 21 मार्च 2015। ABG और JO के बीच में जो कोलन है ना, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ABG एक कोई और है और JO ये कुछ और है। मतलब दो अलग अलग बातें हैं ये, पर क्या क्या हो सकता है? सचिन सोचो जरा, चोरी के प्लान में कोड क्या हो सकता है? एक तो चोरी की जगह और दूसरा टाइम है ना, तो लगता है ये ABG और JO ये तो जगह हो सकती है और टाइम हो सकता है। लेकिन सर ABG और JO जैसी तो इस रूट में कोई जगह है नहीं। एक काम करके देखते हैं, मान लो A की वैल्यू 1 है 1, तो B की वैल्यू 2 होगी, C की वैल्यू 3, D 4, ऐसे ABCD की एक एक वैल्यू जरा डाल कर देखो। A1 B2 G7 J10 O15 सर 127:1015 मतलब 10:15 बजे 10:15 बजे चोरी होने वाली है। और 127 क्या हो सकता है? प्लॉट नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर? देखो जरा 127 क्या है। यस सर। सर ये तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस है। गवर्नमेंट ऑफिस में क्या चोरी हो सकती है? सर लूट आज ही होने वाली और आज तो छुट्टी का दिन है।
हाँ मतलब चोरी करने के लिए आसान, तो वक्त बहुत कम है। रेडी हो तुम? यस सर रेडी। गो। मैं तो केवल बाइक की आवाज सुनी, जब आके देखा तो अपना साथी गाइड वहां बेहोश पड़ा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग क्या हवा में उड़ के आए यहां? हां उन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी। सर मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया सर, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। आखिर उन्हें पता कैसे चला कि यहां पर सोना रखा है? उन्हें सब पता था, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो ये सोना हजम नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं कि वो किस तरह भागते हैं। ये गोलेंडू कोई बेवकूफ नहीं है जो ऐसी हालत में अपने गैंग के साथ
आसानी से पकड़ा जाएगा। जरूर छुपने का कोई ना कोई और बंदोबस्त किया होगा इन्होंने। ये ट्रक क्यों इतनी तेजी से जा रहा है? ये ट्रक वाला तो सिग्नल तोड़ के जा रहा है, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है इस ट्रक में, गड़बड़ है। फोन करो सर। सर ये लो। चलो हाँ, अब मैं निकलता हूँ, उसके बाद जो प्लान है हाँ उसके हिसाब से तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके। पंकज वंश, तुम दोनों यही रुको, ऐसे कोई जाना नहीं चाहिए।
तेरे बाइक पे क्या पंख लगे? छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब। और तू ये स्टंट किसको दिखा रहा था? एक बिल्डिंग के छत से दूसरे बिल्डिंग के छत पे जाना? हाँ बेटा, जब तू तीन पहिए की साइकिल चला रहा था ना, तब से बाइक चला रहा हूँ मैं। वो है किस खेत की मुली? क्या साहब, क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो साहब। समझ नहीं आ रहा? आसमान में उड़ने का बहुत शौक है तुझे? छोड़ दो। बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? तो उस बिल्डिंग में क्या करने गया था? बिल्डिंग खरीदने गया था तू? इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है साहब, हम तो सिर्फ मोहरे हैं, मोहरे। वो तो एक घंटे पहले सोना लेके निकल गया साहब। कौन है सबके पीछे? सोना ने क्या पूछा मैंने? साहब कोलंडो। कोलंडो कहाँ मिलेगा वो? साहब कंटेनर यार्ड में। कंटेनर यार्ड? कोलिंडो मोनिका यहाँ नहीं, पुराने प्रैक्टिस ग्राउंड पे मिलने वाली है।
भाग रहा था है? बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। सर मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ सर, मैं तो बस एक मोहरा हूँ, छोटा सा मोहरा। अच्छा पकड़ा गया तो झूठ बोल रहा है? सर सोना। सर सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सोना आपके पास है और मैं आप लोगों के हाथ, मैं तो सिर्फ यहाँ सोना देने आया हूँ सर। किसे देने आए थे? मोनिका को। मोनिका? सर उसने तो मुझे यहाँ बुलाया था पर लास्ट मोमेंट पे उसने जगह बदल दी। अभी कहाँ मिलेगी? आओ कोलेंडो, तुमने आने में इतनी देर लगा दी, लाओ जल्दी से बैग मुझे दो। मेरा भाई कहाँ है? ये लड़की तुम्हारे साथ कौन? नहीं भाई करे, अगर तुम अपने वादे के पक्के हो तो हम भी अपने वादे के पक्के। ये रहा तुम्हारा भाई जिसे रॉबरी से पहले हमने अपने पास रखा था ताकि जब सोने की चमक तुम देखो तो तुम्हारी नीयत बदल ना जाए। हाँ ये सब प्लानिंग मेरी थी, मेरी माँ बीमार थी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, गोलिंडो से काम मांगने गया था लेकिन इसने मुझे कभी कोई काम नहीं दिया। सर सर मुझे जब इसकी जरूरत ही नहीं थी तो इसे काम कैसे देता? मैं इनके स्टंट देखता रहता था, सोचा कि क्यों ना इनके स्टंट का इस्तेमाल पैसा बनाने में करूं। और इसीलिए तुमने मोनिका को पैसों का लालच देकर गोलेंडो से दोस्ती करने को कहा? हाँ और शीना को भी मैंने डबल पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर दिया। मैंने सोचा कि माँ के इलाज के लिए ही क्यों ना इतना पैसा कमा लूं कि मुझे लाइफ में कभी पैसों की दिक्कत ही ना हो। बस मैंने मोनिका के जरिए इस प्लान को आगे बढ़ाया। मोनिका इस काम में बहुत बड़ी शातिर है और हाँ पहले भी मैं मोनिका से बहुत बड़ी रकम उधार ले चुका था। जुल्म का रास्ता जेल की सलाखों के पीछे जाकर खत्म होता है, समझे? तुम दोनों को तो जेल होगी ही होगी लेकिन विक्रम तुम्हें साहिल और चंदर के दोस्त रघु को मरवाने के जुर्म में फांसी हो सकती है।